इंदौर जिला अंतर्गत महू तहसील से 3 दिन पूर्व लापता हुई छात्रा को पुलिस ने सकुशल मुंबई से बरामद किया। जानकारी के अनुसार छात्रा पेपर बिगड़ने के डर से परेशान होकर घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कक्षा 9वीं की छात्रा को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया। दरअसल पूरा मामला महू थाना क्षेत्र का है। यहां 3 दिन पहले महू थाने पर एक कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की थी तो मालूम हुआ कि छात्रा मुंबई में है। वहीं सूचना मिलने के बाद इंदौर पुलिस ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया और सकुशल छात्रा को इंदौर लेकर आए। एक बालिका अपने घर से मुंबई चली गई थी, बाद में मुंबई के एक जैन मंदिर के पास वो जाकर बैठी और वहाँ एक महिला ने उससे बात की। वो एक आश्रम में जाना चाहती थी, तब एक जिम्मेदार महिला ने उसको बड़े प्यार से उसकी काउंसलिंग की, उससे उसके घर का पता पूछा और बाद में उसके घर वालों से बात की, पुलिस से बात की और जैसे ही पता लगा पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंची और उस बालिका को सकुशल पुलिस ने बरामद कर लिया। तब तक उस बालिका को उस महिला द्वारा सुरक्षित और अपने पास रखा। मैं पुलिस परिवार की ओर से, इंदौर पुलिस की ओर से उस संभ्रांत महिला का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा पता लगा है कि बालिका 9वीं क्लास में पढ़ती थी और उसके पेपर्स खराब होने के कारण वो डर कर अपने घर से चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएसआर टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।